हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है मेरे लगातार वीडियो अपलोड करने का 29वां दिन। आज मैं फाइनली जा रहा हूँ दिल्ली से अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है लद्दाख। परंतु दिक्कत यह है कि अभी लद्दाख का रास्ता खुला नहीं है और उसे खुलने में भी 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी भी बदलनी पड़ेगी हम कैसे लद्दाख जाएं, क्योंकि अभी जाना पॉसिबल नहीं है। या तो हम प्लेन से जा सकते हैं, पर प्लेन से जाने में वो फायदा ही नहीं है। अभी 15-20 हज़ार रुपए लगेंगे। बाकी अभी मैं सैलून में जा रहा हूँ बाल कटाने। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो है ना पार्किंग लॉट अभी 2-3 दिन पहले ही बना है। गाड़ियां पहले से ऐसी खड़ी रहती थी, पर एमसीडी ने देखा कि एक जगह खाली है तो यहाँ पर पार्किंग बना देते हैं, क्यों ना लोगों से पैसे ले जाए। वाह भाई एमसीडी भाई, देखो नकली एमसीडी का यहाँ पर ऑफिस बन चुका है। कल रात मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने जो वीडियो कल अपलोड करी थी वो लगभग रात के 1:30 बजे करी थी। एक बार मैं सड़क क्रॉस कर लूँ तो मैंने रात बहुत लेट अपलोड करी थी। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि मैं 2 चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूँ और उसमें क्या है कि मुझे दोनों चैनल की वीडियो एडिट भी करनी होती है। और एडिट वैसे हम दोनों करते हैं, मैं भी करता हूँ, श्वेता भी करती है। टाइम लग जाता है एडिट वगैरह करने में और होते होते फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं निकलने से पहले अपलोड कर दूंगा, और फिर एक वीडियो मैं रात में बनाऊंगा जो कि मेरी पूरी ट्रैवल की होगी। तो वो वाली वीडियो मैं कल सुबह ही जाते पब्लिश कर दूँगा। मतलब कहने की बात ये है कि मुझे एक दिन में 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी, ताकि मैं जो आज वीडियो रात के 12 बजे तक भी एडिट करूँ वो मैं अगले दिन सुबह के लिए स्केड्यूल कर सकूँ। बट ये थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि मैं यही सेम चीज़ ब्रिटिश स्पेस पर भी करना चाहता हूँ कि हम एक दिन आगे चले, क्योंकि उस वाले चैनल पर भी हम काफ़ी लेट अपलोड कर रहे हैं। और उसका बस कारण यही है कि पहले हमें दिन भर शूट करना पड़ता है, आइडिया लिखना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि उस पर भी हम एक दिन आगे चले या 2 दिन आगे चले। अभी हम लोग बस से जाने वाले हैं, उसकी हमने टिकट वगैरह तो बुक कर ली है। और अभी सब कुछ सस्ता मिल रहा है, पता है। टाइम जब मैं मनाली गया था तो एक आदमी का पड़ा था 1500 रुपये, लेकिन इस टाइम हमारा दोनों का ही पड़ा 1500 रुपये, उसमें भी 100-150 रुपये ऑफ हो गया। कोई मुझे नीम के पेड़ के नीचे नहीं दिख रहा बैठा हुआ, नहीं तो मैं जाकर उससे बाल कटा लेता। उसके बाद मैं पैकिंग करूँगा और पैकिंग करने के बाद तब सब कुछ डन हो जाएगा। मैं अभी बाल कटाने के लिए जा रहा था, मुझे देखो क्या मिला, खुला गटर और ये पूरा का पूरा समुद्र कचरे का। ये भाई साहब राजधानी है हमारे देश की। इसमें लोगों की गलती है, सरकार की गलती है, किसकी गलती है मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि मैं किसी की भी नाम बोलूँगा तो बोल देगा यार इसे करना चाहिए था, उसे करना चाहिए था। बट ऑल एंड ऑल मनुष्य की गलती है कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और सिर्फ एक ही जगह नहीं है, देखो सिर्फ 5 कदम आगे एक और है, और यहीं पर सूखा कूड़ा गीला कूड़ा सब कुछ खड़ा है, पर ये सूखा कूड़ा गीला कूड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट है देखो, और इधर बैठे ताश खेल रहे सब लोग, इधर भी कूड़ा बाहर पड़ा है। कहाँ है दिल वालों की दिल्ली, कचरे वालों की दिल्ली है ये। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सा शहर बहुत ज़्यादा साफ़ है दिल्ली से, या फिर दिल्ली ही बहुत ज़्यादा गंदा है। हम लोगों के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत तरीका होना चाहिए। लोग पानी में ही डाल दे रहे हैं यार, पानी में कूड़ा थोड़ा डलता है यार, कूड़ा डालो। ये देखो यहाँ पर भी ये बहुत नॉर्मल है दिल्ली वालों के लिए, उनका लगता है ये घर है बिल्कुल, इसके बिना घर घर नहीं लगता। ये देखो 4 कदम आगे चल के फिर से, कितने भी मोहल्ला क्लिनिक खोल लो अगर सड़क पे आपके कचरा पड़ा है तो तबीयत तो आदमियों खराब होगी। और ये देखो स्कूल है यहाँ पर, स्कूल के बिल्कुल बगल में ये कचरा। कल रात में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे सच में 28 दिन हो गए लगातार वीडियो अपलोड करते हुए, आज मेरा 29वां दिन है। मैं अक्सर चीज़ें शुरू करता हूँ और उन्हें बीच में छोड़ देता हूँ, पर इस बार मैं इसे खत्म करूंगा। जब तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा। कल हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स थे 5,195, आज हो चुके हैं 5,198, यानी कि 3 लोग जुड़ चुके हैं। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ शुरू की है कि मैं रोज सुबह 8 बजे एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ कि मेरे उस वक्त कितने व्यूज थे, ताकि जब मेरे 50 दिन हो जाए तो मैं ये देख सकूँ कि कितनी ग्रोथ हुई है और हमारा चैनल कहाँ से कहाँ आया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आपके लिए थोड़ी देर होगा पर मेरे लिए 2-3 घंटे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैं अपना हुलिया बिगाड़ कर आ गया हूँ, नाई के पास गया, पैसे दे के आया, बाल कटा के वापस आ गया फटाक से। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मकसद ये था कि मैं अभी जैसे शाम में बस में बैठूंगा, तो बस में बैठने के बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा एडिट करने का, बस में आप वीडियो एडिट नहीं कर सकते। वीडियो एडिट करने के लिए आपको कहीं पे स्थिर रहना पड़ता है। अभी मैंने पैकिंग नहीं करी है, मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। अब 4-5 ऊपर पहनने के, 4-5 नीचे पहनने के, फिर 1-2 जैकेट क्योंकि ठंड में जा रहे हैं। जो मेन वजन होता है ना मेरी ट्रैवलिंग में होता है लैपटॉप का, कैमरा का, या फिर एक्सेसरीज का जो रिकॉर्डिंग में काम आती है, क्योंकि लैपटॉप और चार्जर इसके दोनों अगर आप मिला दे तो 4-4.5 किलो का सिर्फ यही होता है। दिक्कत बस इसी चीज में है, बाकी तो सब बढ़िया है। और तुम बताओ कैसे हो। जैसा कि मैंने बताया कि अभी लद्दाख की साइड सड़क बंद है, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं ताकि हमें लद्दाख पहुंचते 20 दिन लग जाए। तो ये थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल।